नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। गो तस्करों की गोली से हरियाणा के रेवाड़ी निवासी गो रक्षक सोनू की मौत के बाद रेवाड़ी ही नहीं आसपास के कई जिलों में भी मातम छाया हुआ है। गमगीन माहौल के बीच सोमवार को सोनू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारी संख्या में मौजूद युवाओं व आसपास के अनेक गणमान्य लोगों के बीच सोनू अमर रहे के नारे भी लगाए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से फिदेड़ी निवासी गो रक्षक सोनू के अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इतना बड़ा जन सैलाब शायद आपने कभी देखा होगा। वहीं दरिंदों को फांसी की सजा की मांग भी की गई और महापंचायत बुलाने का भी आह्वान कर दिया गया। आखिर एक गो रक्षक को कैसे गो माता की रक्षा करते करते अपनी जान गंवानी पड़ी, यह भी दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं अंतिम संस्कार में मौजूद लोगों ने क्या कहा। सर क्या नाम है? जय गो माता जी। मेरा प्रदीप डागर नाम है। कैसे क्या हुआ? ऐसा जी, ये तो 14 जून से चल रहा है। भाई को गोली मारी थी गो तस्करों ने बॉम्बे एक्सप्रेस वे में, वाद के अंदर पेट में गोली लगी थी, इनकी हाथों के अंदर जो है गोली लगी हुई थी। 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से लगातार संघर्ष कर रहे थे जीवन और मौत के बीच में। सर ऐसी लगातार कई बार घटना घटती रहती है, फिर भी सरकार इसमें कोई? ऐसा है जी, सरकार है तो सारी उदासीन है, उन्होंने तो गौ माता से धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। और अब तक भी उनमें से लोगों की जो है बाल घूम रहे हैं, और निश्चित रूप से जो है सरकार का कोई इसके अंदर ना सराहनीय काम नहीं है किसी भी तरह से। और सरकार का फेलियर है कि समाज में जो निस्वार्थ भाव से ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। क्या मांगते सरकार से? ऐसा है जी, जो उनको 302 का मुकदमा दर्ज हो, फांसी की सजा हो, यही हमारी मांग है। और इसके लिए हम जल्दी ही कोई बड़ी पंचायत भी करेंगे, उसके अंदर से एक समाज लगातार इस चीज को आगे लेके जाएगा। पूरा गौ सेवा का जो हमारा समाज है, गौ सेवा रक्षक है सारे साथी, वो इसको लगातार आगे चलाएंगे। हमारी मांग ये है कि 302 का मुकदमा दर्ज करके उनको फांसी की सजा के अंजाम तक ये पहुंचाइए। 50 दिन पहले ये वारदात हुई, गौ माता को बताने के लिए उन्होंने अपने गोली खाई है तस्करों से। वो भीड़ में इनको चोट आई थी और पिछले 50 दिनों से ये संघर्ष कर रहे थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे जीवन की। लेकिन आज जो भाई थे वो शांत हो गए हमारे, उन्होंने गौ माता की शहादत दी है। सर लगातार यही घटना घटती रहती है, फिर भी सरकार इस पर कोई सिंगार नहीं ले रही है? सरकारों को गाय से धर्म से कोई मतलब नहीं है, वोट की राजनीति है, दिखाई देते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं, इस प्रकार के एजेंडे चलाते हैं। बाकी गौ रक्षा में गौ माता के लिए सरकार बिल्कुल फेल है। कोई सुरक्षा निगो भक्तों की और गौ माताओं की दिन रात 24 घंटे तस्करी हो रही है, और हमारे बहुत से गौ रक्षा दल के सदस्य शहीद हुए हैं, और डेली मुठभेड़ हो रही है, प्रतिदिन बच्चों पर गोलियां चल रही हैं। इन सरकारों को इनसे कोई मतलब नहीं है, उनके लिए बच्चे हमारे कल मरते आज मर जाए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं। सरकार से क्या मांगती है गौ रक्षा दल वाले? गौ रक्षा दल की हमारी यही मांग है कि उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, उनको फांसी सजा दी जाए। दूसरा, हमारे भाई को शहादत मिली है, इसको शहीद का दर्जा दिया जाए। और दूसरा, जो भी गौ तस्करी हो रही है उसके ऊपर सरकार कानून तो बना है, लेकिन कानून के साथ साथ उसके ऊपर कार्रवाई भी करे और गौ माता की रक्षा करे, उनकी सेवा करे और गौ तस्करी को पूर्ण रूप से रोके। जानकारी के मुताबिक 14 जून को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गोवंश को मुक्त कराने पहुंचे टीम के साथ सोनू पर गौ तस्करों ने गोलियों की बौछार कर दी थी। इसमें सोनू गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। सोनू को गुरुग्राम के मेडिसिटी में भर्ती कराया गया था, लेकिन करीब 1.5 माह तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद सोमवार की रात सोनू ने दम तोड़ दिया। सोनू 2 बच्चों का पिता था, लेकिन जिस तरह से तस्करों की गोली से गोरक्षक की मौत हुई, हरियाणा की कथित राष्ट्रवादी सरकार पर भी अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। अंतिम संस्कार के दौरान जिधर भी देखो गाड़ियां व लोगों की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव, सुनील मुसेपुर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल मांडा सहित अनेक नेता व सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे।